अभिनेत्री तापसी पन्नू, जिन्हें हम फिल्म सांठ की आंख में अहम किरदार निभाते देख चुके हैं, उन्होंने खुलासा किया है कि उन्हें फिल्म में प्रकाशी तोमर के बूढ़े किरदार को दिखाने के लिए प्रोस्थेटिक मेकअप का इस्तेमाल करना पड़ा था। तापसी ने प्रोस्थेटिक स्किन हटाते हुए भी कई तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पर साझा की और लिखा, चलिए इस बारे में बात करते हैं कि कैसे कैरेक्टर प्रकाशी तोमर के लिए चेहरे पर लगाई गई स्किन को हटाया जाता है। मेरी स्किन को नॉर्मल करने के लिए 1 घंटे का समय लगता था, इसके बाद भी लाइंस पड़ते दिखती थी, जब तक कि स्किन पूरी तरह से नॉर्मल नहीं होती थी। कितनी बार डरावने सपने आए कि क्या हो कि ये स्किन वापस नॉर्मल नहीं हो, क्या हो कि एक दिन हमें ये एहसास हो कि हमें इसी के साथ ही रहना है। भविष्य में वो एक दिन कभी तो आएगा ही, हालांकि अभी के लिए इस स्किन का निकल जाना राहत की सांस लेने जैसा है। सांठ की आंख भारत के सबसे पुराने शॉर्ट शूटर प्रकाशी और चंद्रो तोमर के जीवन पर आधारित है, जो 2019 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में चंद्रो तोमर का किरदार भूमि पेडनेकर ने निभाया था। तापसी की आने वाली फिल्में हसीना दिलरुबा, रश्मि रॉकेट और शाबाश मिठू हैं। INS रिपोर्ट।